के नशे में छात्रा को थप्पड़ मारकर उसके साथ अभद्रता करने वाले सिपाही को आज पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। सिपाही के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बीते दिवस डायल 112 के सिपाही ने छात्रा को थप्पड़ मारा था और नशे की हालत में उसके साथ अभद्रता की थी। छात्रा द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक वह दोपहर कस्बे के मोहल्ला बगिया में कोचिंग पढ़ने गई थी। इसी बीच उसी मकान में रहने वाले डायल 112 में तैनात सिपाही मुकेश सिंह ने उसे अभद्रता करते हुए उसे थप्पड़ मारा था तथा अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था। छात्रा ने पहले इसकी शिकायत अपने पिता से करके उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो उसके पिता तथा उसे भी सिपाही ने धमकाया। सिपाही थाना गेट के सामने नशे में झूमता रहा तथा एकत्र छात्र छात्राओं को धमकाता रहा, जिसकी शिकायत थाना अध्यक्ष से करने के बाद अन्य सिपाही बमुश्किल उसे थाने से ले गए, वरना मारपीट भी हो सकती थी। घटना से नाराज एबीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राज मिश्रा के नेतृत्व में एसओ अजब सिंह को ज्ञापन देकर सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रथम दृष्टया आरोपी सिपाही को दोषी पाया और बताया कि पुलिस कर्मी के मेडिकल चेकअप में शराब पीने की पुष्टि हो चुकी है। क्षेत्राधिकारी ने भी मौके पर जाकर जांच के बाद सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये आरक्षी है जिसने जो वहाँ किराए पे किसी कमरे में रहता था जिसके नीचे कोचिंग भी चल रही थी। कल ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इसके द्वारा शराब पीकर उनके साथ बदसलूकी करने की बात आ रही थी उसमें, तो इसका तुरंत डॉक्टरी परीक्षण कराया गया और इसमें भी अल्कोहल निकला है और इसी आधार पर उसके विरुद्ध वहाँ अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है, उसको निलंबित कर दिया गया है। उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है, इसकी जाँच CO को आया वो सौंपी गई है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की।